आज मैं आपको बताऊंगी कि हम बिस्तरी का ज्यादा मजा मोटी औरत में है या पतली औरत में। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलूं कि दोनों के अंदर ही अपना अपना मजा है। मोटी औरत के साथ हम बिस्तरी में अपना मजा है और पतली औरत के साथ हम बिस्तरी में अपना ही मजा है। मोटी औरत की जिसामत ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादातर मर्दों को छाती बहुत ज्यादा पसंद होती है। पतली औरतों के अंदर ये चीज थोड़ी कम होती है, क्योंकि पतली लड़कियों की बहुत कम छाती होती है या फिर वो अंदर ही अंदर रहती है। तो इसमें ये कहना कि पतली औरत ज्यादा मजा नहीं देगी, जिन लोगों को औरत में ये चीज पसंद होती है, उनकी ब्रेस्ट जो है वो पसंद है, उसके मुंह में लेना पसंद है, तो मोटी औरत के साथ इसका मजा अलग ही है। यानी कि हर तरह का मजा लिया जा सकता है। मोटी औरत ऊपर की एक भरी जिसामत होती है, इंसान इसके साथ इजीली हो सकता है। इसके साथ एक और फायदा ये है कि इसका जिस्म नरम होता है, यानी कि जो भी मोटी औरतें होंगी उनके जिस्म से ज़्यादा नरम ही होंगे। फिर नरम जिस्म का अपना ही मज़ा होता है। ये तो था मोटी औरत के साथ मज़े और फ़ायदे। इसी तरह मैं आपको बताती चलूँ कि पतली औरत के साथ बहुत मज़ा है। अगर पतली औरत होगी तो आप इसको गोद में भी बिठा सकते हैं, इसको अपने ऊपर भी इजीली बिठा सकते हैं, आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी लटा सकते हैं, खेल सकते हैं, इसके बालों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों को शौक है औरत को उठाने का, गोद में बिठाने का, बिस्तर पर लटाने का, ये तो वो मोटी औरत के साथ नहीं कर सकते, पतली औरत के साथ ये सब कर सकते हैं। इस तरह से मुबाशरत कर सकते हैं, हर तरह से मुबाशरत कर सकते हैं, इसको अपने ऊपर बिठा सकते हैं, खुद नीचे आ सकते हैं और काफ़ी मज़े ले सकते हैं। क्योंकि हर औरत का अपना ही मज़ा होता है, चाहे वो मोटी हो, चाहे वो पतली हो, चाहे काली हो, गोरी हो, हर एक चीज़ का मज़ा अलग होता है।